हेलो दोस्तों, वेलकम टू कीप ग्रोइंग। मैं हूं विशाल और स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में। दोस्तों, जैसा कि हमारे लास्ट वीडियो में और आप जो पिछले वीडियोस हैं वहां पे हमने एक्सेल के बारे में बहुत सारी चीज़ें सीखी कि एक्सेल में हम कैसे काम करते हैं, डाटा को कैसे बनाते हैं, उसको किस तरीके से फॉर्मेट करते हैं, किस तरीके से शॉर्ट करते हैं। मतलब एक ऑफिस वर्क में जितना काम होना चाहिए एक्सेल में लगभग हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, और लगभग अभी हम कुछ जो टॉपिक्स हैं वो कवर हम कर चुके हैं। दोस्तों, आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताने वाला हूँ। वो चीज़ बताने से पहले दोस्तों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरे जो आने वाले वीडियोज़ हैं उसके नोटिफिकेशंस वगैरह आपको दिखते रहें और मेरे वीडियोज़ जो हैं आपके पास आते रहें। दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि एक्सेल में हम पेज को सेट कैसे करते हैं, एक पेज सेटअप हम कैसे यूज़ करते हैं, कि कितना डाटा पेज में कहाँ पे किस तरीके से प्रिंट होना है, उसको सेट करना, मार्जिन सेट करना, या उसके जो रूलर्स हैं या फिर पेज का ओरिएंटेशन सेट करना, या फिर उसकी मार्जिन्स को किस तरीके से सेट किया जाता है। अल्टीमेटली मैं आपको पेज लेआउट बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप पेज को दो तरीकों से सेट कर सकते हैं। पहला तरीका है ये है कि आप प्रिंट प्रीव्यू में जाकर पेज को सेट कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि देखेंगे आप, मैं ये प्रिंट ऑप्शन पे, ये प्रिंट प्रीव्यू पे मैंने क्लिक किया तो ये मेरे सामने प्रिंट प्रीव्यू ओपन हो गया। अभी दोस्तों, ये लैंडस्केप फॉर्मेट है। यहाँ पर आप देखेंगे ये शो रूलर, शो मार्जिन, मैंने अनचेक किया तो मार्जिन चली गई। अब मैं इसको चेक किया तो मार्जिन आ गई। मैं इसको जिस तरीके से बढ़ाऊँगा तो ये मार्जिन्स बढ़ेगी। मार्जिन दोस्तों, मार्जिन क्यों बढ़ाई जाती है या क्यों घटाई जाती है? मार्जिन का मतलब होता है कि यहाँ से आपके पेज का डाटा प्रिंट होना शुरू होगा। अगर मैंने इसको बिल्कुल कॉर्नर कर दिया है, मतलब ये पेज के बिल्कुल कॉर्नर से प्रिंट होगा, जो डिफ़ॉल्ट जो मार्जिन होती है प्रिंटर की, उसके बाद से ये प्रिंट शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे मार्जिन को सेट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों, पेज सेटअप। देखेंगे आप, ये पेज सेटअप पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक आपके सामने एक डायलॉग ओपन हो जाता है, पेज सेटअप। यहाँ पे कुछ टैब्स हैं, जैसे देखेंगे आप, पेज, मार्जिन्स, हेडर एंड फुटर, शीट। दोस्तों, पेज पर पहला ही ऑप्शन आप देखेंगे पेज, पेज के बाद है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत इसमें बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि सारी चीज़ें आपको सामने ही दिखती हैं। जैसे ओरिएंटेशन में देखेंगे पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट का मतलब यहाँ पे इमेज बना हुआ है जैसा कि आप देखेंगे, और लैंडस्केप ये देखेंगे आड़ा है, ये बिल्कुल खड़े साइज़ में है और ये बिल्कुल आड़े साइज़ में है लैंडस्केप, और ये पोर्ट्रेट। तो जिस तरीके से हमने पोर्ट्रेट कर दिया इसको, इसके बाद है दोस्तों स्केलिंग। स्केलिंग का मतलब होता है कि ये जो डाटा है ये कितने स्केल में चल रहा है, परसेंटेज। अभी ये जो है सेट 100% है। अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ तो मतलब ये डाटा अभी बढ़ेगा। देखें दोस्तों, मैंने ये बढ़ा के ओके किया, ये देखिए अब मैंने इसको घटा दिया। सपोज़ मैंने, सॉरी ये बढ़ रहा है, इसको मैंने इस तरीके से घटा दिया दोस्तों, ये देखेंगे आपको अंतर समझ में आ रहा है। तो ये कहलाता है स्केलिंग। इसको अब यह ये बाय डिफॉल्ट 100 रहती है, हम इसको 100 कर देते हैं। अब सपोज़ हमारा डाटा बहुत बड़ा है, सेट नहीं हो रहा है, हमने बहुत मार्जिन सेट कर ली, परसेंटेज सेट कर लिया, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है अब हमें, लेकिन हम चाहते हैं कि वो हमारा डाटा जो है वो एक से दो पेज में, या लिमिट हमारे पास लिमिट है कि चार पेज में वो प्रिंट हो जाए। तो उसके लिए एक्सेल में एक स्केलिंग में फिट टू फॉर्मेट एक ऑप्शन होता है, फिट टू। ये फिट टू देखेंगे आप, यहाँ पे यदि मैंने लिख दिया एक से लेकर पाँच तक, तो जितना भी डाटा है वो एक से लेकर पाँच तक में सेट हो जाएगा, पाँच तक या उसके अंदर में सेट होगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन इस ऑप्शन का यूज़ कब किया जाता है? जब हमारे पास जो डाटा है वो बहुत ज़्यादा है और नॉर्मल स्केलिंग से वो सेट नहीं हो रहा है।
तो उस कंडीशन में हम इस ऑप्शन का यूज करते हैं। अगला ऑप्शन है दोस्तों पेज साइज। पेज साइज कि आप प्रिंटर में कौन सा पेज प्रिंट करने जा रहे हैं। अगर आपने ये जो पेज सेटअप आप देखेंगे ये डिफ़ॉल्ट है लेटर साइज, लेटर आप इसको A4 भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है दोस्तों लेटर और A4 में। अगर पेज आपने प्रिंटर में लीगल साइज का लगाया हुआ, लीगल साइज A4 से बड़ा साइज होता है, तकरीबन 1-2-3 इंच बड़ा होता है। यदि आपने लीगल साइज लगाया हुआ है तो उस तरीके से आपको पेज को सेट करना होगा, हर पेज के साइज अलग अलग होते हैं। अगला है दोस्तों प्रिंट क्वालिटी। प्रिंट क्वालिटी 600 dpi हाई क्वालिटी होती है, तो इस तरीके से आप ये पेज को सेट कर सकते हैं। अगला टैब है दोस्तों मार्जिन। देखिए मार्जिन को सेट करने के भी दो तरीके हैं दोस्तों, जैसा कि हमने पहले ही शो मार्जिन्स से कर लिया था सेट। ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से अगर हम सेट कर रहे हैं तो हमें पॉइंट टू पॉइंट करना होता है, लेकिन बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कितनी वैल्यू डिफ़ॉल्ट होनी चाहिए और हमें कितनी देनी चाहिए या कितनी यूज़ करनी चाहिए। तो सिंपल सा ऑप्शन है, आप नॉर्मल शो मार्जिन जो मैंने पिछला ऑप्शन बताया था वहाँ से आप ये ऑप्शन देखेंगे, ये शो मार्जिन, यहाँ से आप मार्जिन को सेट कर लें। ये ज़्यादा ईजी ऑप्शन होता है और ज़्यादा इसमें तकलीफ नहीं जाती है समझने में। ठीक है दोस्तों, ये हो गया पहला तरीका। अब हम दोस्तों आते हैं अपने दूसरे तरीके पे, पेज को सेट करने का दूसरा तरीका। दूसरा तरीका है ये पेज लेआउट रिबन्स आप देख रहे हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सारी चीज़ें आपके सामने रखी हुई है। मार्जिन, मार्जिन में देखेंगे ये लिखा हुआ लास्ट कस्टम सेटिंग, टॉप में ये सारी चीज़ें जो अभी सेटिंग है करेंट। नॉर्मल मार्जिन दोस्तों, ये नॉर्मल मार्जिन हो गई, यहाँ पे आप देखेंगे आपको एक स्केलिंग दिख रही होगी, डॉट डॉट लाइन दिख रही बॉर्डर टाइप से, ये आपको बताएगा कि अभी आपका पेज क्या सेट हुआ। ये वाइड मैंने किया तो देखेंगे ये वाइड सेट हो गया, अब मैं इसको नैरो कर देता हूँ तो ये नैरो सेट हो गई। पेज ओरिएंटेशन, पेज ओरिएंटेशन अभी पोर्ट्रेट है, मैंने इसको लैंडस्केप कर दिया तो ये देखेंगे ये भी सेट हो गई। अब बहुत अच्छे से अगर देखना है तो आप प्रिंट प्रीव्यू पे भी देख सकते हैं, ये देखें इस तरीके से, और इस तरीके से क्लोज प्रिंट प्रीव्यू करेंगे तो ये प्रिंट प्रीव्यू क्लोज हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों ये पोर्ट्रेट अभी आपने हमने लैंडस्केप कर दिया था, अभी हम पोर्ट्रेट कर देते हैं डिफॉल्ट साइज। अभी मैं आपको बता रहा था कि लेटर साइज और जो लीगल साइज होता है और जो ये A4 होता है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, बहुत माइनर सा अंतर होता है। जैसा कि आप देखेंगे लीगल का साइज़ क्या है दोस्तों, 21.59 × 27.94 और A4 का देखेंगे 21 × 29.7। मैं बहुत ही ज़्यादा अंतर नहीं है इसमें, बहुत ही कम अंतर है, लेकिन अगर आप लीगल देखेंगे तो देखेंगे 21.59 × 35.5। मैंने दोस्तों बताया था आपको कि अंतर बहुत होता है, तो यहाँ पे आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं पेज का साइज। और अगर आप मोर पे क्लिक करेंगे तो फिर आप यहीं पे आ जाएंगे जहाँ से आप पेज सेट कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद है दोस्तों प्रिंट एरिया। ये बहुत ही ज़्यादा समझने वाला विषय है प्रिंट एरिया। प्रिंट एरिया मतलब कि हमने एक प्रिंट एरिया अगर सेट कर दिया कि इतना ही प्रिंट एरिया जो है वो प्रिंट होगा, तो केवल वही एरिया जो है वो प्रिंट पे जाएगा, मतलब उतना ही डाटा जो है वो प्रिंटिंग पर लेगा, उसके अलावा डाटा वो नहीं लेगा। देखें मैंने इतना सेलेक्ट किया और प्रिंट एरिया मैंने दे दिया तो देखेंगे एक डिफ़ॉल्ट बॉर्डर यहाँ पे बन के आ गई है दोस्तों। अब मैं प्रिंट प्रीव्यू पे जाऊँगा तो केवल उतना ही डाटा मुझे दिखेगा, ऑब्वियसली उसके बाद कोई डाटा है नहीं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आप प्रिंट एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर मैं स्केलिंग की बात करूं तो देखें स्केलिंग, या जो मैंने स्केलिंग आपको प्रिंट प्रीव्यू में पेज सेटअप से जाके बताई थी वो स्केलिंग यहाँ पे भी आप इस तरीके से घटा बढ़ा सकते हैं। ये अच्छा, ये प्रिंट एरिया मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। ये क्लियर प्रिंट एरिया कर दिया मैंने, आप ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों। ये देखें पेज, आप अगर देखेंगे ये मार्जिन जो है, लाइन जो है, ये
घटती बढ़ती रहेगी। अगर मैं बढ़ा रहा हूँ तो ये घटती रहेगी, ये 95 देन 100 में देखेंगे ये कॉलम बाहर हो गया। अब अगर मैं इसका प्रिंट प्रीव्यू देखता हूँ दोस्तों, ये मैंने इसका प्रिंट प्रीव्यू देखा तो एक कॉलम मुझे, ये कॉलम मुझे बाहर बता रहा है। अब इसको सेट करने के लिए दोस्तों वही मेथड सेम, मैं इसका जो स्केलिंग है ये कम कर दूंगा तो ये एक पेज में सेट हो जाएगा। बहुत से लोगों को दोस्तों ये दिक्कत जाती है, वो अपने पेज को सेट ही नहीं कर पाते हैं और जिसके कारण उनको बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि यदि ये मेरा डॉक्यूमेंट तो अभी मेरा सिंगल पेज का है तो ठीक है, दो ही पेज प्रिंट होंगे, लेकिन ये डाटा अगर 50 पेज का है और उसमें 50 पेज में अगर एक कॉलम भी बाहर हो गया दोस्तों, तो वो सीधा सीधा 100 पेज का प्रिंट बनता है, मतलब उसको डबल कर देता है। तो दोस्तों कभी भी ध्यान रखें किसी भी पेज को सेट करने के लिए कि देखिए हर तरीका है पेज को आपको सेट करने का, बस आपको उसको पता होना चाहिए कि उसको किस तरीके से किया जाता है। तो दोस्तों इतने तरीके थे जिस तरीके से आप पेज को सेट कर सकते हैं और उसको इजी फॉर्मेट में आप प्रिंट के लिए प्रिंटेबल फॉर्मेट बना सकते हैं। प्रिंट करने के लिए दोस्तों फिर वही मैंने बताया है कि आपको प्रिंट ऑप्शन पे जाके प्रिंट पे क्लिक करना होगा, या फिर आप एक शॉर्टकट कंट्रोल के साथ पी प्रेस करेंगे तब भी आपका एक प्रिंट डायलॉग आएगा। यहाँ पर दोस्तों आप सबसे पहले प्रिंट प्रीव्यू में जाकर देख लें कि आपके पास कितने पेजेस हैं जो प्रिंट होने वाले हैं। सपोज़ यहाँ पे एक पेज है, ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पे कोशिश ये करें कि प्रिंट में पेजेस लिख दें, जिससे कि जो बहुत ज़्यादा अगर पेज हैं तो वो प्रिंट ना हो, जितना आपको चाहिए उतने ही पेज प्रिंट हों। तो जिसके कारण अगर कुछ पेजेस ज़्यादा होते हैं या फिर कुछ कॉलम्स आगे पीछे होते हैं तो आपको पहले से पता चल जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों ऑप्शन है प्रिंटर नेम, सबसे पहले आप प्रिंटर सेलेक्ट कर लें कि कौन सा प्रिंटर। अगर प्रिंटर यहाँ नहीं दिख रहा है तो आप ये फाइंड प्रिंट पे क्लिक करेंगे तब आपको प्रिंटर दिखेगा। दोस्तों मेरे अभी कंप्यूटर में प्रिंटर अटैच नहीं है, नहीं तो मैं यहाँ पे आपको बताता कि प्रिंट देने के लिए प्रिंटर को कैसे सेलेक्ट किया जाता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपीज का भी एक ऑप्शन होता है, जैसे कि मुझे एक डॉक्यूमेंट के 3 से 4 सेट प्रिंट निकालने हैं तो जितने भी मुझे सेट प्रिंट निकालने हैं मैं यहाँ पे लिख दूंगा। सपोज मुझे 4 सेट प्रिंट निकालने हैं तो मैंने 4 कर दिया तो ये 4 सेट प्रिंट करेगा। इस तरीके से दोस्तों आप इसको ओके करेंगे तो ये 4 सेट प्रिंट निकाल देगा एक एक पेज का। तो दोस्तों आज हमने इतनी चीज़ें देखी कि प्रिंट के लिए पेज को कैसे सेट किया जाता है और उस पेज सेटअप में हम किस तरीके से और कितने तरीके से उसके मार्जिन्स को सेट कर सकते हैं या फिर उसके ओरिएंटेशन या फिर पेज साइज को सेट कर सकते हैं और स्केलिंग को किस तरीके से घटाया और बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और अगर कोई सजेशंस हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके मुझे बताएं। और दोस्तों एक बार फिर अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें दोस्तों, जिससे कि मेरे आने वाले जो वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप ग्रोइंग, कीप सब्सक्राइब, थैंक यू।